टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। एनसीपी और एनसीपी यूथ की तरफ से कोकण और महाट के लिए आज 5 गाड़ियां रिलीफ के लिए रवाना की गई। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने झंडी दिखाकर ठाणे से ये 5 गाड़ियों को रवाना किया है। इस मौके पर महबूब शेख, शानू पठान, आनंद परांजपे, विक्रम खामकर, अन्य एनसीपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन गाड़ियों में पानी, तेल, बिस्किट, फिनाइल, साबुन, अन्य खाने पीने की ऐसी सामान मौजूद हैं जो कोकण के लिए आज ये 5 गाड़ियां रवाना की गई हैं। इन 5 गाड़ियों के रवाना होने के बाद गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने क्या कुछ कहा है। कोकण पट्टे में काफ़ी बाढ़ आई है, बहुत नुकसान हुआ है, लोगों की जाने गई, इस वक्त मदद की जरूरत है। किस तरह से राष्ट्रवादी की हक मदद के लिए आगे बढ़े, उनके हक में उतरी है। बिस्किट, फिनेल की बाटले, पानी की बॉटल, ऐसे तरीके जो जो लगेगा घर में, जो जो काम की चीज़ है वो सब हम यहाँ से भेज रहे हैं। हमारे नौजवान युवक कांग्रेस के नेतागण यहाँ पे हैं, आनंद परांजपे यहाँ पे हैं, हमारे विरोधी पक्ष नेता जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है जमा करने में, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष महबूब शेख हैं, हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। 25 कार्यकर्ता इस ट्रक में जा रहे हैं। उधर हमने उन एरिया जो है वहाँ का जो इलाका है उसके जो लोग हैं उनसे बात कर लिए, तो बराबर जिस ट्रक में जो बैठा जिसको कहा गया वो वहाँ पे पहुँचेगा, यानी जो ज़रूरतमंद है उनको मदद होगी। सर वहाँ पर बिस्तरा, टावेल और कपड़ों की भी बहुत ज़रूरत है, वो भी हमने ऑर्डर दिया है। कम से कम 5-10 हज़ार बिस्तरे यहाँ से जाएंगे, यानी एक बिस्तर, दो चद्दर, टॉवल, ब्लैंकेट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, ये सब यहाँ से जाएगा।